बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। एमएससी साइकोलॉजी वालों के साथ बेटा आज मेरा लेक्चर नंबर 1 है। रिसर्च मेथडोलॉजी में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हमारे पास क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फिनोमेना अंडर स्टडी, एम ऑफ गैदरिंग एंड समराइजिंग द डाटा, ट्रांसफॉर्म डाटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन आर्डर टू आइडेंटिफाई एंड मेजर वेरिएबल्स एंड आइडियल डाटा कलेक्शन प्रोसीजर शुड बी क्लियर, अनबायस्ड, रिलायबल एंड वैलिड। बेटा जो हमारा एरिया सिलेक्टेड होता है फॉर स्टडी के लिए, हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको समराइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं। और बेटा ये वाला जो टूल हमारे पास होता है, एक रिलायबल होता है, अनबायस्ड होता है और वैलिड होता है। बेटा हमारे पास डाटा कलेक्शन के बहुत सी टाइप्स होते हैं, जो हमारे रिसर्च डिज़ाइन के लिए हम डिसाइड करते हैं उस तरह से हमारे पास अडॉप्ट करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उनमें से बेटा जो मीनिंगफुल अफेक्टिव टूल्स होते हैं जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो कुछ है हमारे पास: इंटरव्यू, क्वेश्चनर, कंडक्ट नॉर्मल फोकस ग्रुप डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन। उसमें से आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरव्यू। बेटा सबसे पहले हम आपने इंटरव्यू का वर्ड सुना होगा, डेली लाइफ में आप सुनते हैं, आपने सोशल मीडिया में काफ़ी इंटरव्यू होते हुए देखे होंगे। तो बेटा इंटरव्यू एक ऐसा एक पर्सनल टूल होता है, पावरफुल टूल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डाटा कलेक्शन के लिए, सोशल रिसर्च के लिए। और बेटा ये हमारे पास एक थ्रू आउट कम्युनिकेशन होती है, हम इंटरव्यू से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं थ्रू आउट, फेस टू फेस। ठीक है बेटा, हम फेस टू फेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू बेटा हमारे पास वो वाले इंटरव्यू होते हैं जिसमें हमने एक बेसिक हमारे पास एक हमने जो रिसर्च करनी होती है उसके टूल को हम फॉलो करते हुए हमारे पास जो रिक्वायर्ड डाटा हमें चाहिए होता है, वो बेटा डाटा हमारे पास हो सकता है हिस्टोरिकल, हो सकता है एक्सपेरिमेंटल, हो सकता है सर्वे और क्लिनिकल हो सकता है। उस टाइप की हमारे पास जो रिसर्च होती है, हम उनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, पूछते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं उसको यूज़ करते हुए। क्लिनिकल इंटरव्यू, बेटा क्लिनिकल इंटरव्यू हमारे पास उस सिचुएशंस में आती है जब हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो इंडिविजुअली, प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, जैसे हमारे पास जॉब और फैमिली एडजस्टमेंट्स हैं। इन सिचुएशंस द मेजर पर्पस ऑफ इंटरव्यू आर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। दिस टाइप इंटरव्यू इज कॉल्ड अ क्लिनिकल इंटरव्यू। बेटा इंटरव्यू के में हमारे पास एक टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू बेटा हमारे पास वो वाला इंटरव्यू होता है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट होती है, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर इंटरव्यू लेते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा कि उनके पास पेजेस होते हैं। ठीक है बेटा, पहले से उन्होंने डिसाइड किए होते हैं कि उन्होंने इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, वो एक रूल्स के साथ उन्होंने लिखा होता है, उसको यूज़ करते हुए वो क्वेश्चन वन बाय वन पूछते हैं जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है। ठीक है, और इंटरव्यूअर्स उसका आंसर देता है अपनी मर्ज़ी से। और बेटा जो अनस्ट्रक्चर हमारे पास इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू हमारे पास होता है जिसमें वो जो इंटरव्यूअर्स होता है वो उस लिस्ट को फॉलो नहीं करता। ठीक है, वो मतलब उसको फॉलो नहीं कर सकता कि जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं वही उसके उसने आंसर देने हैं। ठीक हो गया बेटा। एक हमारे पास होता है फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू बेटा, अभी हमने एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू पढ़ा है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू को हम एक कंट्रोल्ड इंटरव्यू भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं हमने उस रूल को फॉलो करना होता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। और इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है उसमें बेटा उस इंटरव्यूअर को आज़ादी होती है, वो उसमें क्वेश्चंस उसका जो मतलब वो कर सकता है, आंसर कर सकता है। ठीक है, उन क्वेश्चंस जो एक लिस्ट है उसको फॉलो कर सकता है। जैसे हमारे पास एक अनस्ट्रक्चर होता है इंटरव्यू, ही मे रिवाइज द ऑर्डर एंड परहैप्स द हमारे पास क्वेश्चंस सूट द नीडेड टू ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। हमारे पास जो इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है बेटा, इनफॉर्मल्स में उसको आज़ादी होती है, वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, वो अपनी मर्जी से उनके आंसर दे सकता है। इस तरह के इंटरव्यू को हम कहते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यू।
बेटा एक और टाइप होती है हमारे पास टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू में जैसे हम टेलीफोन एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस एज आल्सो वर्डली यूज टू सेट अ पर्सनल इंटरव्यू एंड अ स्क्रीन फॉर योर रिस्पॉन्स टाइप्स। मतलब हम टेलीफोन पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनके आंसर्स को हम टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। यूजेज ऑफ इंटरव्यू, बेटा यूजेज ऑफ इंटरव्यू मतलब हम इंटरव्यू को कैसे यूज़ करते हैं। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू आस्क द क्वेश्चन। हमारे पास इंटरव्यू कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। अफेक्टिव टूल फॉर अ सोशल साइंस इन स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर थ्रू द टेक्निक्स अ रिसर्चर कैन बी सिक्योर वेरी इंटीमेट एंड पर्सनल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ हिज हर स्टडी विच इज़ द डिनाइडेड टू द नेचुरल साइंटिस्ट हु कैन नॉट कम्युनिकेट विद द सब्जेक्ट्स डिस्पाइट्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरव्यू गाइड आर शेड्यूल, दिस टर्म शेड्यूल इज यूज वैन इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच इंफॉर्मेशन इज टू बी कनेक्टेड। अ शेड्यूल इज अ स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन विच आर यूजली आस्क द रॉली एंड रिकॉर्डेड इन द रिटन बाय इंटरव्यूअर। एन इंटरव्यू गाइड इज अ लिस्ट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन एंड एरिया विच इज द इंटरव्यूज यूज मेयरली आर द प्रमोट द ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू शेड्यूल इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग अ सेट ऑफ क्वेश्चन। बेटा आप ये समझ लें कि इंटरव्यू हमारे पास एक ऐसा शेड्यूल होता है जिसमें हम इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछते हैं और वो हम फुलफिल कर लेते हैं। जो हमारे पास एक रिक्वायर्ड डाटा होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम इंटरव्यूअर से लेते हैं और फेस टू फेस सिचुएशन के साथ हम उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और साथ में हम उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है, हम नोट डाउन कर रहे होते हैं।